कैसे पकड़ रखा है पोपली तेरे को? इसने सुमित ने कैसे पकड़ रखा है तेरे को? तेरे को इतनी गर्मी लग रही है? क्या अभी पहले शॉर्ट्स पहनने लगा। आज पोपली पोपलू को नहलाएंगे, ठीक है? इसको 1 महीना से 2 दिन या 3 दिन कम बचे नहलाने। पोपली, हे पोपली, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहा है तू सुमित के साथ? काटने की पूरी पूरी कोशिश है पोपलू के। ओए पोपलू, पोपली, ओ पोपली, ए पोपली, ए पोपली, ए पोपली, ए पोपली, ए गुंडी बदमाश है, गुंडी बदमाश है, गुंडी बदमाश। खेल लो तुम, मैं थोड़ी देर काम कर लेते हैं। दोपहर में नहलाएंगे जब बिल्कुल अच्छे से धूप निकल जाएगी ना, ठीक है? बाहर ना जियो कोई आज भी सुस्सा जाए। वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग गाइस, क्या हाल आप सभी के? इधर भाई पोपलू के साथ बकवास के साथ साथ व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, बिकॉज आज ये सुबह सुबह मेरे साथ फुल बकवास बाजी पे कर रहा है। और मैं क्या ही बताऊं, कल इसने मैगी ज्यादा खा ली ना, वो मैगी का असर इस पे कुछ ज्यादा ही हो चुका है। कल पता नहीं यार क्या सीन था ना, मतलब मैगी इसने खाई नहीं। अबे रुक जा, अभी मैंने सुमित को भेजा है बाहर कुछ लाने के लिए, बिकॉज पता नहीं यार मेरा मन कर रहा था कि चाय के साथ है ना पार्ले जी खाऊं। लाइक मतलब लोगों का स्टैंडर्ड होता है हाई क्वालिटी वाले बिस्कुट खाने का, बट मेरा पार्ले जी खाने का मन कर रहा था चाय के साथ। तो मैंने सोचा सुबह की पहली चाय जिस पार्ले जी खाते हैं तो उसको अभी जस्ट भेजा है, वो आता है, देन उसके बाद चाय बनाते हैं। ये देखो, आज देखो ये मतलब कैसे आइए आपका इंतजार था, आइए आपका। ना 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 ना, मेरे पार्ले जी मुझको दे दे ठाकुर, मेरे पार्ले जी मुझको दे दे ठाकुर। तू कितने रुके लिया? एज यूजुअल चाय हम पीते हैं तो कोक भर के ही पीते हैं। आज काफी दिनों के बाद तुम्हें मेरे व्लॉग्स में लाइक मतलब चाय देखने को मिली होगी। लाइक मतलब मैंने खुद ने भी सच में वैसे प्रण लिए थे थोड़े से कि चाय इतनी ज्यादा नहीं पीते, बहुत कम, मैंने बंद ही कर रखी है। लाइक कभी कभी ऐसे मन कर जाता है, जैसे आज ऐसे तड़प हो रही थी ना कि चाय पीनी है साथ में पार्ले जी खाने, किसी भी हालत में। तो मैंने सुमित को बोल के भाई लेके आ जल्दी से, चाय मैं बना के लेके आ चुका हूँ अभी। और पोपलू देखो, पोपलू देखो किधर है पोपली, इसको चाहिए। कल इसने मैगी नहीं खाई, बट पता नहीं इन चीज़ों को चाहिए मैगी क्यों नहीं खाई, आई डोंट नो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। बट चलो कोई ना यार, मैं चाय के साथ पार्ले जी खाता हूँ। ये मैं हूँ, ये हमारा पोपली है और मेरे पार्ले जी चल रहे हैं। काफी परेशान है कि मेरे को क्यों नहीं दे रहे। तो गाइस आज पोपलू को नहलाया जाएगा, एंड आज नहलाएंगी हमारी मम्मी जी, बिकॉज हमने तो बहुत नहला लिया। आज मम्मी की सफाई देखते हैं कैसे करते हैं। मम्मी जी बहुत कहती हैं हम बचपन में मतलब ऐसे नहलाते थे, आज पोपलू का बचपन देखते हैं कैसा रहेगा। मैं ले आऊँ, ब्लू को ब्रूस करेंगे पहले थोड़ा सा अच्छे से। तो इसके देखो गाइस कितने सारे बाल निकले हैं, अगर ये हम ना करें ना नहलाने से पहले, टोटल टोटल इसी के आएंगे। चलो गाइस नहलाने की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मेरे मुझे बड़े हैं, मेरे मुझे बड़े आज फाइनली पोपलू को नहला दिया है और अभी थोड़ी सी इसकी सफाई चल रही है। अब आज देखना शाम तक कितना गोरा गोरा निकल जाएगा, पहले तो ब्लैक की ब्लैक किसा हो गया था। पोपली गुंडी है, पोपली गुंडी बीमार क्यों जाओ धूप में बैठे हो है तो यो के डटा को नकली यो के डटा को ले
तो मेरी गलती जाने कान छाप के लूं न्यू का इतनी गर्मी में नहला दिया मेरे को पोपली को नहला दिया ठंड में नहलाते बस इब छोड़ दो बस 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 आप पे पूंछ लेगो थोड़ी देर बैठे रहने दाना डे या तो उठा लियो क्यों बावड़ा हो रहे हो बाल चटुआ मन छोड़ हमारा रेडी हो चुका है जस्ट 5-7 मिनट धूप में बैठते हैं इसको यहाँ पे एक बार अटैच किया हमने बांध के वैसे तो बांधते नहीं है इसको रीजन इसका जस्ट यही है बिकॉज बिल्कुल इसको अंदर भागने की लगी पड़ी है जब तक थोड़ा सा सूख जाएगा ना फिर इसको अंदर ले चलेंगे है पोपली ने ला दिया देखो अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं इसके बालों को क्या हो चुका है बट जब तक ये सूख जाएंगे ना 10 मिनट ऐसे थोड़ी मानेगा मम्मी जब ये आज हमारा पोपलू बिल्कुल स्मार्ट हो जाएगा स्मार्ट लुक में ब्लैक सब ब्लैकनेस आ जाती है यार 1 महीना हो चुका है इसको नहलाए और हम 1 महीने में एक बार ही नहलाते हैं क्योंकि डॉक्टर की सलाह भी यही होती है कि भाई कुत्तों को पपीज को 1 महीने में एक बार ही नहलाना चाहिए 15 दिन में भी नहला सकते हैं बट ज़्यादा नहलाने से इनके जो कोट होता है ना जिनके मतलब बाल बाल होते हैं उड़ने ज़्यादा लग जाते हैं तो हम 1 महीने में एक बार नहलाते इसको पिछली बार 9 फेब को नहलाया था आज 1 महीने से 2-3 दिन ही कम है बट आज ठीक है जल्दी नहला दिया सही है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अभी इसको 10 मिनट इंतज़ार करते हैं जब तक अभी थोड़ी सी इसमें ड्राइनेस सी है ठीक हो जाता है इसके बाद इसको फ्री कर देंगे तो सुमित भैया जी यहाँ पे पोपलू को घुमाने ले जा रहे हैं ओ पोपली देखो घूमने के लिए कितना उत्साहित है भाई पोपलू पोपलू काफ़ी मजे आते हैं बाहर जाने में लाइक इसको हम ले जाते नहीं ना अभी छोटा है उस वजह से अब तो काफ़ी बड़ा हो चुका है तेरे से ऐसे ही थोड़ी बंदवा लेगा ये पोपलू आजा 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 आ गिरा दिया तूने गिरा दिया भाई मेरे को ना सुमित भाई जी बुला रहे आज नहलाने के बाद देखो कैसा लग रहा है भाग गया तो उसको ले गया पोपलू को थोड़ी देर घुमाने मैं नहीं जा सकता अभी कुछ भाई अपना तो गेमिंग का वर्क है और क्या कर सकते हैं उस वजह से मेरे को तो अभी काम करना पड़ेगा सुमित गया कोई ना वो थोड़ी देर उसको घुमा के ले आएगा और तब तक मैं खेलूंगा आने के बाद पोपलू के साथ मैं खेलूंगा तब तक पोपलू ऐसा थक जाता है ना रात को आया ऐसी मस्त नींद में सोता है क्योंकि पहले जब छोटा था घर पे रखते थे तो स्टार्टिंग में तो नया नया तब तो छोटा पप्पी था तब तो सोता ही था बीच में फिर ऐसा हो गया था भाई रात को भी नहीं सोने देता था क्यों सारा दिन पड़ा रहता था और फिर रात को सोने नहीं देता था बट अब ऐसा है सुमित घुमा लाता है फिर मेरे साथ खेल लेता है फुल आने के बाद तो उसके बाद मैं भी थक जाता हूँ ये भी थक जाता है दोनों ऐसा सीन हो जाता है थोड़ी सी मोटो व्लॉगिंग देखने को मिलेगी अभी पूछ लेता हूँ बस क्योंकि मेरे को थोड़ा सा सामान है वो किसी को दे के आना है पास में ही ज़्यादा दूर नहीं जाना 2-3 किलोमीटर ही जाना है मतलब हमारे अप्रोच रोड पे ही है तो चलो लेट्स गो करते हैं बस मम्मी से पूछ लेता हूँ एक बार क्या कर रहे हो मम्मी जी अकेले अकेले मैं वो दे के आ रहा हूँ वो सामान किसी को ठीक है आज कर रहे हो सामान दे के आना है वो ठीक वो वही 2 किलोमीटर दूर किसी के पास ठीक है ओके सारा ले लिया तो बार बार में थोड़ी दे के आऊँगा फिर एक बार में ही दे आता हूँ हाँ वो उधर वाला सारा दे दिया ठीक है यार आँखों में बहुत ज़्यादा ही वो पड़ रहे हैं जो शाम को जीव जंतु निकल जाते हैं ना जो क्योंकि मैं ना कोई चश्मा ना कोई हेलमेट लगा के अभी कुछ पास में ही जाना था तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि शाम वैसे हो चुकी है जल्दी से वापस आ जाएंगे बट मुंह में गया यार अब तो ऐसा लग रहा है मेरे को हेलमेट या चश्मा कुछ तो लगा के आना था आँखों में डायरेक्ट आके पड़ रहे हैं क्योंकि शाम के टाइम में यही सबसे ज़्यादा दिक्कत है गर्मियों में सर्दियों में नहीं निकलते पता नहीं यार गर्मियों में इनको क्या हो जाता है रात के टाइम में तो बिना चश्मा या हेलमेट के चलो ही मत बिल्कुल भी तो गाइस जस्ट इतना ही काम था जस्ट जाना था और वापस आना था तो जैसे ही यार ये आंखों में बहुत ज्यादा ही पड़ रहे हैं यार क्या करूं इनका मैं